दोस्तों भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लगातार विक्रांत के घर वाले इस समय सबसे ज़्यादा टेंशन में नज़र आ रहे हैं। विक्रांत के घर वालों ने ये बोल दिया है कि लक्ष्मी का हमें कुछ थोड़ा करेक्टर समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय लक्ष्मी के ऊपर भी सवाल उठ चुके हैं और वाकई में दोस्तों विक्रांत और लक्ष्मी की शादी पूर्ण रूप से कैंसिल होती हुई ही नज़र आ रही है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये पूरा खेल थोड़ा घना नहीं है बल्कि बहुत ही ऊंचे लेवल पर खेला जाएगा। अब जहाँ पर मलिष्का को टेंशन हो रही है कि ऋषि की वजह से लक्ष्मी और विक्रांत की शादी कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि दोस्तों इस शादी को कैंसिल होने में बल्कि ऋषि का फ़ायदा है, लक्ष्मी का फ़ायदा है और बल्कि मलिष्का का सबसे बड़ा नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मलिष्का ने इस शादी कराने के लिए बहुत जोर कर रही है कि ताकि लक्ष्मी से ऋषि का पीछा छूट जाए। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी एक और नया मोड़ लेकर आ चुकी है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि किस तरीका से एक बार फिर से दिलचस्प नज़ारा देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सभी लोग इस समय बेहद ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहे हैं। क्योंकि बात की जाए इस समय की तो सभी लोगों को पता है कि कब क्या कैसे और क्यों होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं बात की जाए इस समय की बड़ी खबर मिल रही है लक्ष्मी के बीच से। जी हाँ, जहाँ पर लक्ष्मी बोलती हुई नज़र आ रही है ऋषि से कि ऋषि ऐसा ना हो जाए कि ये शादी कैंसिल कर दे विक्रांत, और वाकई में दोस्तों होगा भी बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि ऋषि तो खुद भी यही चाहता है कि शादी कैंसिल हो जाए किसी भी तरीका से, क्योंकि दोस्तों ऋषि अच्छे रूप से खुद ही ध्यान रख सकता है। और ऋषि ने बोल दिया है कि तुम चिंता मत करो लक्ष्मी, मैं तुम्हारा ध्यान रख सकता हूँ, तुम किसी के ऊपर आधीन नहीं हो, तुम एक स्वाभिमानी लड़की हो जो तुम्हारा हमेशा मेरा कर्तव्य बना है तुम्हारा ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए गाइस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो।